वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलते हैं पॉइंट के ऊपर। आज हम मेरे पास आ गया है रेडमी नोट 10। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करूँगा, फिर इसको 15 दिन चलाऊँगा मैं, फिर इसका रिव्यू दूंगा कि ये कैसा है, और ये प्रोडक्ट को आपको बताऊँगा कि कैसा है कैसा नहीं, आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं इस प्रोडक्ट को गिव अप करूँगा। मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर को मैं ये दूंगा। उसके लिए एक चीज़ करना होगा आपको, क्या? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जाना, और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा 15 दिन के बाद मिलेगा, इसका रिव्यू देने के बाद, पहले नहीं दूंगा मैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम अब शुरू करते हैं। पहले इसको खोलेंगे कहाँ से और देखते हैं इसमें सब कुछ दे रखा है, कितने का प्रोडक्ट किसने भेजा, कहाँ, एड्रेस वगैरह। मैंने अमेजन से परचेस किया था ये प्रोडक्ट। निकालते हैं इसको, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना, बहुत कमाल की अनबॉक्सिंग होने वाली है। ये यहाँ से निकाल लेते सीधा। अरे निकल गया, ये आ गया हमारा रेडमी नोट 10। मैंने रेडमी के इतने मोबाइल यूज़ किए हैं, लेकिन उन सभी मोबाइल में से ये मोबाइल मुझे खास लगा। उसकी वजह थी वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। चलिए इसको हम निकालते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसको भी। कितना प्यारा बॉक्स है इसका। मेरे पास कुछ है नहीं काटने के लिए, तो मैं अपने नाखून से ही काट लेता हूँ, एक नाखून है मेरा बड़ा। चलिए आज पता चल जाए कितना तीखा है वो, कितना जल्दी काट लेता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। अमेजिंग प्रोडक्ट है। सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे इसकी ये लगी कि ये फुल HD अमोलेड डिस्प्ले है। मतलब क्या कहूँ, हो गया अनबॉक्सिंग। देखिएगा क्या क्या है बॉक्स में। ये मोबाइल, इसको रख देते साइड में, पहले इसको खोल के फिर साइड में रख देते हैं, फिर डब्बे को चेक करेंगे और क्या है इसमें। ये हाथ में पकड़ने में इतना खूबसूरत लग रहा है, इसका बता नहीं सकता हूँ मैं इसको। मतलब और मैंने इसे सपोज नहीं किया था जब मैंने इसको ऑर्डर किया था कि दोनों साइड में इसके स्पीकर हैं। वाओ सुपर। रेडमी का मुझे ये सबसे बेस्ट फ़ोन लगा है अभी के अभी तक मोबाइल में से। कम रेट में 12,000 रुपये का है। इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ कुछ दिनों बाद में। इस की वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी है, इनको साइड में रखते हैं। और ये इनका कवर दे रखा है, कवर देख लेते हैं कैसा है। वही सबके साथ आता है जैसा ही कवर है। क्वालिटी अच्छी है इसकी, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। चलो इनको सबको रखते हैं साइड में, चार्जर देखते हैं। केबल है USB, वाइट कलर में थी, हमेशा ब्लैक में देता नहीं, तो ये दिखने में भी कूल है, मतलब बहुत अलग है। ये आ जाता है, फिर इसका चार्जर, चार्जर भी बहुत मोटा है, ये 33 वॉट का फुल चार्ज सपोर्ट है, 33 वॉट का। चलिए इनको रखते हैं, मोबाइल को लेते हैं। चलो यार, मोबाइल पकड़ने में इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ। बहुत लाइट ही लग रहा है, मतलब बहुत हल्का फील हो रहा है। चलो हम सारा डॉक्यूमेंट वगैरह फिल कर देते हैं इसके अंदर और देखते हैं फिर आगे।
बेस्ट है यार मोबाइल, कुछ भी कहो ये बहुत कमाल का मोबाइल लगा है। मोबाइल हमको मोबाइल में तीन चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए, मोबाइल एक नंबर हो जाता है। सबसे पहले कैमरा, और दूसरा डिस्प्ले, और तीसरी चीज़ परफॉर्मेंस। ये तीनों चीज़ बेस्ट हो तो मोबाइल का तो जवाब ही नहीं। और मुझे लगता है ये कम दाम के अंदर ये बेस्ट फ़ोन होगा, और वैसे भी MI बहुत कम दाम में फ़ोन बेस्ट निकालता है। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसका पूरा रिव्यू देंगे हम फिर बाद में, एक वीडियो और बनाएंगे कितनी देर में चार्ज होता है, कितनी देर तक चलता है क्या नहीं, प्रॉब्लम वगैरह कुछ आती है नहीं आती, कुछ फेस होती है नहीं होती है, हम टोटल चीज़ें बताएंगे आपको इसमें। बने रहिएगा वीडियो के साथ आप। ऑन हो रहा है, ये दिखने में लाजवाब लग रहा है, मतलब दिखने में कूल लग रहा है जो चल रहा है, जो परफॉर्मेंस।